Hello students, hope all are you doing well. Okay, today I am going to talk about coordination. So today's topic is coordination. What is coordination? Coordination, synchronization of different actions or efforts of the various units of an organization. So coordination kya hai? It synchronizes of different actions or efforts of different of the various units of an organization. So ye wordings pe kuch samajh mein aa raha hai aapko coordination kya hai? Okay, isme agar समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। आपका स्कूल में कोई प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इट मे बी अ डांस कंपटीशन और इट मे बी अ सिंगिंग कंपटीशन। सो सिंगिंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो व्हेन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस, देयर इज समथिंग इज नीडेड। सो क्या है, एक साथ में जो भी हम करेंगे, वेदर इट इज अ डांस और इट इज अ सॉन्ग, एक साथ होना चाहिए। सो ये एक साथ जो भी होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू वन दैट फर्स्ट प्लेस में हमको आना है, देन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग शुड बी क्लियर। वहाँ पे इट मे बी अ डांस, डांस में क्या होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन से लेके आपका ड्रेसिंग सेंस से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रॉपर रहना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, एक वर्ड हमेशा यूज करेंगे जजेस, इनकेस आप विन नहीं किए हैं या आप विन करें हैं, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करेंगे, कोआर्डिनेशन। ओके, दैट कोआर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोआर्डिनेशन क्या है, सब एक ही जैसा करना है। फॉर एग्जाम्पल आप डांस कर रहे हैं, आप लोग डांस के बारे में बहुत जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल डांस करने टाइम एक का हाथ एक तरफ और दूसरे के हाथ एक तरफ होगा तो इट इज हम यही बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके साथ में। छह जन सात जन अगर डांस कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन, सभी के एक्सप्रेशन सभी के मूवमेंट जो है एक ही साइड में होना चाहिए, देन ओनली इट इज नोन, इट इज सेड टू बी अ कोऑर्डिनेशन। उनके अंदर में जो जो भी बच्चे हैं उनके अंदर में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, इज दैट्स व्हाई दे वॉन द प्राइज, इस तरह बोलते नहीं। सो दैट कोऑर्डिनेशन, दैट इज द कोऑर्डिनेशन, वही कोऑर्डिनेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी हम ग्रुप में ही काम कर रहे हैं। यू नो दैट ऑर्गेनाइजेशन, वेयर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट भी हम जानते ही हैं कि नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द मैनेजमेंट। टू मैनेज अ बिजनेस, अ सिंगल पर्सन कैनॉट मैनेज अ बिजनेस, देर मस्ट बी अ नीड ऑफ वेरियस पर्सन, वेरियस यूनिट्स, वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, वेरियस यूनिट्स है, ये सभी को एक साथ लाना चाहिए। एक्चुअली हम क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, वी वांट टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। सो इफ वी वांट टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन, सभी जो इंडिविजुअल है सभी के इंडिविजुअल का गोल्स कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स द कॉमन गोल। सो ये टुवर्ड्स द कॉमन गोल कैसा हो सकता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, हम क्या नहीं कर सकते वहां पे, अपना कॉमन गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो कॉमन गोल को अचीव नहीं कर सकते। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, इट इज अ फंक्शन, इट इज वन ऑफ द फंक्शन। सो फंक्शंस मीन्स आप जानते हैं मैनेजमेंट में हम लोग डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये जो फंक्शंस है, इसी के साथ में कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम द स्टार्टिंग एट द एंड हम लोगों को ये कोऑर्डिनेशन के साथ में जाना चाहिए, देन ओनली वी कैन अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। ओके, कैसा हम अचीव कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ब्रिंगिंग टुगेदर। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट, इट इज़ अ ब्रिंगिंग टुगेदर। सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या ब्रिंग करते हैं, किसको हम लोग टुगेदर में ब्रिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल वर्किंग डिफरेंट एरियाज, इन सबको हम इकट्ठा करना चाहिए, एक साथ लाना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए डिफरेंट यूनिट्स को, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो विद दिस वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट ओनली फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Coordination is the essence of management. With the help of these three points, I will discuss the how coordination is essence of the management. Number one, coordination is needed to perform all the functions of management. Number two is coordination is required at all levels. Then coordination is the most important functions of organization. First one is coordination is needed to perform all the functions of management. We know that there are five functions. That is, one is planning, then organizing, then staffing, directing and controlling.
Okay, to perform these functions, these five functions, coordination is very important one. See, planning, organizing, staffing, directing and controlling. So to perform these functions in the organization, to achieve organization goals, coordination is very important one. Without coordination, ye functions jo hai hum perform nahi kar sakte hai sahi tarike se. And other thing is what? Coordination starts with the planning and it ends with the controlling. So planning se leke controlling tak ka coordination ka bahut hi zarurat hai. How? See, planning jo है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप लेवल मैनेजर्स प्लान करते हैं. टॉप लेवल मैनेजर्स क्या प्लान करते हैं? हाउ द व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, कैसा हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. सो ये प्लान करेंगे एंड देन दे विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. सो प्लानिंग के बाद में जो है हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है. सो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग क्या होना चाहिए? प्लानिंग मस्ट बी कोऑर्डिनेट विद द ऑब्जेक्टिव्स. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए. सो वन प्लानिंग इज ओवर, देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर को क्या किए होंगे हम लोग, व्हाट इज द वर्क फॉर द टॉप लेवल मैनेजर, दे हैव टू प्लान एंड दे हैव टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द प्लान. सो अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्लान, द बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लान. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन. बेस जो है हम लोग प्लानिंग को रखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग वी हैव टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो वंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो चुका है, देन नेक्स्ट इज स्टाफिंग. अगेन हियर हम प्लानिंग में फिर से जाएगी. प्लानिंग जब हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या हम प्लान कर रहे हैं, वेदर द प्लानिंग इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोगों को क्या चाहिए अकॉर्डिंग उसके हिसाब से है कि नहीं, ये देखना भी हम लोगों को जरूरत है. सो नेक्स्ट वी कम टू द स्टाफिंग. सो स्टाफिंग इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग. अगर हम लोग प्लानिंग में 4 or 5 मैनेजर्स का सोचे हैं, लाइक 5 मैनेजर्स को अपॉइंट करने के लिए हम लोग सोचे हैं, देन वी हैव टू अपॉइंट 4 or 5 मैनेजर्स. सो ये स्टाफिंग जो है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ही हम लोगों को करना चाहिए. सो हियर आल्सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लानिंग एंड स्टाफिंग. देन हम लोगों को डायरेक्टिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग, ऑलरेडी हम लोग बोले हैं कि डायरेक्टिंग जो है ये थर्ड लेवल में आता है, दैट इज लोअर लेवल में आता है. सो लोअर लेवल में क्या है, द लोअर लेवल पीपल्स और लोअर लेवल मैनेजर हैज टू डायरेक्ट द वर्कर्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. सो डायरेक्शन is very important one. Now हम direct कैसे करेंगे, we have to direct according to the planning. So planning में जो भी planning policies and other things जो भी करें हैं, according to the planning and policies we have to direct the workers to work for achievement of our organizational goals. अगर यहाँ पे coordination नहीं रहेगा, planning and directing के बीच में coordination नहीं रहेगा, तो क्या होगा, planning अलग होगा and हम direct अलग करेंगे. So direct अगर हम directing अलग करते हैं, कुछ और काम करने के लिए बोलते हैं, then automatically what will happen, there may be a confusions among the workers and it automatically it damaged the organization. Okay, so this is the coordination between directing and planning. Controlling तो आप जानते हैं, there is a coordination because हम जानते हैं कि controlling में क्या करते हैं, we will match the actual plan and the actual and the standard planning. जो planning हम लोग already करके रखे हैं, ये planning के through हम लोग जो है जो हम लोग perform किए, actual performance होगा, ये performance को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. व्हाई वी आर कंपेयरिंग, दैट जो हम लोग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम लोग रखे हैं, जो प्लानिंग में हम करके रखे हैं कि यही हम लोगों का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगा, वेदर वी रीच द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और नॉट, ये देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग को यूज कर रहे हैं. सो हियर ऑल्सो कोऑर्डिनेशन इज देयर. सो from the starting, that is from the planning till the controlling, coordination is very important. Without coordination hum kuch bhi nahi kar sakte. For that it is said that coordination is needed to perform all the functions of management. So that's why it is essence of the management. Then come to the second point, coordination is required at all levels. So again hum jaate hain, already we discussed there is 3 levels of management, top level management, middle level management and lower level management. What is the work of the top level management? Top level management, they have to plan, that is plan and according to the objectives of the organization, and they have to prepare the organization structure. This is the work of the top level management, or it is the function of the top level management. And other thing is what, they have to coordinate the lower level and middle level. So yahan pe top level manager ka it is not only the work to plan, ye kya hai, inko coordinate karke bhi chalana chahiye, kyunki they are the important, top level mein jo managers hai, they are the important persons
working in the organization and they have to coordinate all the things in the organization to achieve our organization goals. So top level mein bhi coordination ka zarurat hai. Then second is middle level. Middle level mein kyun coordination ki zarurat hai? Middle level mein coordination ki isliye zarurat hai because already hum log ye dekhe hain, middle level consist of the department. So most of the managers, those who are working in the middle level, they are the departmental heads also. So departmental heads mein inko kya karna chahiye? Each and every department ko ek saath kaam karwana chahiye. Like each and every department ka objectives jo hai, common objective के थ्रू रहना चाहिए. नहीं है तो क्या हो सकता है? देयर मे बी अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल लाइक डिफरेंट units are there. It may be production unit, it may be sales unit, it is a finance unit. So ये सभी जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अलग अलग से अपना अपना काम करेंगे, then वहाँ पर क्या नहीं होगा, organization का goals को हम achieve नहीं कर पाएंगे. But here हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन सभी का जो goals है वो goals को towards organizational goals लेके जाना चाहिए. That means personal production department, sales department, finance department सभी जो है organization goals के हिसाब से अगर काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट को कितना यूनिट प्रोडक्शन, कितना यूनिट सेल के लिए चाहिए, उतना यूनिट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देगा तभी क्या कर सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अपना सेल्स कर सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होगा. अगर नहीं है, ये अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता. सो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन आप रह करके करें, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को इंटरलिंक करके रखेंगे, इंटीग्रेट करके रखेंगे, देन ऑटोमेटिकली वी क्या कर सकते हैं, वी कैन अचीव अवर गोल. सो दिस इज वाई कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट टू इन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है लोअर लेवल में भी काम आता है. हाउ? लोअर लेवल में क्या होगा, लोअर लेवल जो मैनेजर्स जो है, ये दो मैनेजर्स वर्कर्स जो है उनके साथ में रहते हैं. सो दे हैव टू coordinate the workers, they have to lead the workers to achieve the organizational goals. Yahan par bhi hum bol sakte hain different type of workers are working in the organization, they are having individual goals. So with the individual goals only they are coming to the organization. So yahan pe hum individual goals ke hisab se work karne ke liye de denge. In case if you are not directing the people towards the common goal, then automatically wahan par kya ho sakta hai, confusion ho sakta hai. So individual apne ऑब्जेक्टिव के थ्रू जाएंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो टू अचीव द कॉमन गोल हियर आल्सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड. सो लोअर लेवल में वर्कर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे, वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, वर्कर के साथ में अगर हम काम करेंगे डेफिनेटली क्या होगा, वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. देन थर्ड इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप ये दोनों एग्जांपल से पता कर लिएंगे. बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो यही दो ही तो है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यही तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही तो चलता है, प्लानिंग एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इसी के थ्रू तो एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जो अपना गोल्स है वो गोल्स को अचीव करने के लिए. सो ये जगह पे अगर आपको कोऑर्डिनेशन का जरूरत है, सो दैट्स वी से दैट कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर इन केस देर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो डेफिनेटली देर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट और देर मे बी अ क्योस इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैसा हो सकता है, एक पिक्चर आपको दिखा रही है, आप वो पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा. अगर कोऑर्डिनेशन एब्सेंस रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा. ओके, सी द पिक्चर्स. इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हाट विल हैपन. सी पिक्चर में दिया गया है, फर्स्ट में आपको टॉप में देख रहा है पुअर रिपोर्ट देख रहा है, एंड कम टू योर राइट साइड कॉर्नर देर इज अ रिसेप्शन एंड देर इज अ शिपिंग, एंड मिडिल में जो है स्टोर है, देन अकाउंट्स दिखा रहा है, देन प्रोडक्शन का एक पिक्चर दिखा रहा है, सेल्स का एक पिक्चर दिखा रहा है. टॉप में जो पिक्चर है उसमें दिखा रहा है पुअर रिपोर्ट, दैट इज जो टॉप लेवल मैनेजर्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट
जो भी मैनेजर्स हैं उनको बोल रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, लाइक डांट रहे हैं या समथिंग कि वाई देर इज अ पुअर रिपोर्ट। देन यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग जो है रिसेप्शन से शुरू हो रहा है। रिसेप्शन में देखिए एक कॉल हो रहा है, रिंग हो रहा है एंड दूसरे तरफ में एक कॉल अटेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, हियर इज द प्रॉब्लम, एक ही जन बैठे हैं रिसेप्शन में एंड कॉल आ रहा है, वो अटेंड करने के लिए कोई नहीं है। सो ऑटोमेटिकली हियर कम्स द प्रॉब्लम, क्योंकि इन एन ऑर्गेनाइजेशन नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ्स जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ्स नहीं रहेगा, देर में बी अ लैक, दैट इज वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन कम टू द स्टोर सेक्शन, स्टोर सेक्शन में स्टॉक फुल दिखा रहा है आपको, मैनेजर इज ऐसे बैठे हैं, दैट इज स्टॉक इज फुल बट स्टॉक नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है, सेल्स के लिए नहीं जा रहा है, दैट इज सम प्रॉब्लम, सो सेल्स के लिए वो नहीं जा रहा है। देन आप देख रहे हैं शिपिंग, देख रहे हैं शिपिंग जो है कुछ प्रॉब्लम दिखा रहे हैं शिप्स के लिए आपको, सो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। देन यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देर इज नो स्टॉक, दैट मीन्स वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है रॉ मटेरियल्स का। देन कम टू द सेल्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे सेल्स के लिए कुछ भी नहीं है, सो सेल्स नहीं हुआ है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स कैसे हम करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या सेल्स डिपार्टमेंट से अगर हम लोगों को कोई मैसेज मिला होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। सो रेवेन्यू कहाँ आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, इसका कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है। सो इस तरह ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज इंटरलिंक्ड, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट इंटरलिंक होता है। अगर ये इंटरलिंक नहीं होगा, ये इंटरलिंक कब हो सकता है, थ्रू द कोऑर्डिनेशन ही हो सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर हम इसको ठीक करेंगे देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे सारा प्रॉब्लम सॉल्व होकर हम अच्छी तरह से अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज ईजी ऑल्सो। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नंबर वन, कोऑर्डिनेशन इंटेग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, देन इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, देन कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। See, first one is coordination integrate group effort. See, coordination, already we discussed that coordination is needed when there is a group of members. If a single person working in the organization, there is no need of coordination. So, coordination is needed where there is a group of people working. So, group of people jahan pe work kar rahe, unko why it is needed? To integrate the efforts of the people, in different individual peoples jo hai, unka efforts ko, jo bhi efforts hoga, wo sara efforts ko kya karna chahiye? Integrate karna chahiye towards the common goal. So that's why coordination is integrate group efforts. Then second one we can say that it ensures unity of efforts. Already hum log dekhe hain coordination means individual peoples nahi hai, group of peoples work kar rahe hain, so that is individual peoples brings that is group mein, group mein jab kaam kar rahe hain different departments are there, so different departments jo bhi work kar rahe hain ye sabhi departments ko interlink hum logo ko karna hoga. So that means production department, sales department, finance department and other marketing department, advertising department, jitna bhi departments hai they all are working for the common goal. So ye we have to ensure that is coordination ke through hum logon ko ensure karna chahiye the efforts are unified, unify karke rakhe hain sara efforts ko, hum kya kar rahe hain common goal achieve karne ke liye unify kar rahe hain. With this is happen only with the help of coordination. So without coordination hum ek unity mein la nahi sakte hain. The next is coordination is a continuous process. Coordination aisa nahi ki ek baar hum log kar liye then uske baad usko use nahi karna hai, it is not like that. Coordination is a continuous process. If we start coordination from the planning then automatically वो कहाँ पर होगा, कंट्रोलिंग तक का होगा. अगेन जो है फिर प्लानिंग हम लोगों को जब करेंगे तब कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा. सो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक का हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ेगा. वी हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल द थिंग्स टू अचीव द कॉमन गोल. सो कॉमन कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. देन कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन. ऑलरेडी हम लोग देखे हैं परवेसिव फंक्शन मीन्स वॉट, इट इज अ यूनिवर्सल वन. इन एवरी प्लेस, इन एवरी सिचुएशन वो जो भी फंक्शन है उसको हम लोगों को यूज करना होगा. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ परवेसिव. सो सेम थिंग, कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन एवरी प्लेसेस, एवरी सिचुएशन. दैट मीन्स वी हैव टू यूज द कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड दैट इज लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. सभी लेवल्स में कोऑर्डिनेशन का जरूरत है एंड सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का जरूरत है. सो फॉर दैट वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज अ
pervasive function. The next is coordination is the responsibility of every manager. Yes, here comes that it is not only the responsibility of the top level manager that they have to coordinate the efforts of the all the individual those who are working in the organization. Every manager, it is the responsibility of every manager, those who are working in every department. For example, first level managers, top level managers जो भी हैं वो अपना काम के लिए coordinate करेंगे. Definitely they have to coordinate the middle level and the lower level to achieve the organization goals. The same time, again मिडिल लेवल मैनेजर्स को भी अपना डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना होगा. अपना डिपार्टमेंट सभी जो भी डिपार्टमेंट्स होगा सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना होगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. द सेम थिंग लोअर लेवल मैनेजर. सो सभी मैनेजर्स का इस जो है टॉप लेवल मैनेजर्स के हैंड्स पे ही नहीं है. ईच एंड एवरी मैनेजर हैज़ टू एंश्योर दैट दे आर कोऑर्डिनेटिंग द थिंग्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस इफेक्ट दैट जब जरूरत पड़ा तब हम लोग लाए, ऐसा नहीं है. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. जानते हुए एक मैनेजर को अपना गोल्स को अचीव करना है थ्रू द मीडियम ऑफ नंबर ऑफ पीपल, देन डेफिनेटली वो नंबर ऑफ पीपल को एक साथ लाने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए डेफिनेटली दे हैव टू यूज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन को यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, जो गोल्स है वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं. सो दिस आर ऑल द फीचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन. Okay students, next we move on to the topic importance of coordination. So importance of coordination categorized like this: size of organization, functional differentiation, specialization. So where is the coordination is important or why the coordination is important? So coordination important according to the size of organization. So size of organization here, when the size increases, the organization increases, the coordination also increases, need of coordination also increases. So जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन वर्क कर रहे हैं देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो इंडिविजुअल पर्सन को क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमको कोऑर्डिनेट करने के लिए. सो वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल इज वर्किंग वहां पर ही हम लोग को क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा. सो व्हाई देयर इज द नीड ऑफ वेयर द पीपल वर्किंग ग्रुप, दैट इज different types of people are working in the organization. They are coming from different areas. So definitely their opinion may be different. So automatically jab different opinion rahega and not only different opinions, their objectives may be different. So with their objectives and with their opinion they ready to work. Lekin kya hai hum logo ko, we have to why ye sabhi jan ko hum yahan pe kaam pe kyun rakhe hain, to achieve our organization goals. So jab size of organization increase hote rahega automatically the need of coordination also increases. So because different types of people जो भी होंगे वो people's का thought को एक side पे हम लोगों को लाना होगा. उनका जो भी common, जो भी goals है वो goals को common goals के through divert करना होगा, integrate करना होगा. So this is happen only with the help of coordination. Coordination के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उनको एक तरफ कर सकते हैं, उनको एक तरफ लाकर हम common goals को achieve कर पाएंगे. So that's why coordination is important because of the size of organization. When the size of organization increases, that means number of people jab increase honge, increase in the number of people, need of coordination increases. Then come to the functional differentiation. What is functional differentiation? Already we discussed that in an organization there is different type of departments are there. So with the help of the different departments only we are coming to the one type of output, and with the help of that output we are earning the revenue. So yahan pe they are interdependently. So हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी हैव टू इंटरलिंक द डिपार्टमेंट्स. यू कैसा कर सकते हैं, लाइक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट वर्किंग देयर ओन. लाइक ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर. इट मे बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स. अब आप देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट जो है सेल्स कर प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करेंगे तभी क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स कर सकते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करेंगे तभी जो है मार्केटिंग जो है सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करेंगे तभी हम लोग रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं. ओके, सो रेवेन्यू हम लोग अर्न कर
कर सकते. सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज इंटरलिंक्ड विद एंड अदर थिंग्स. रेवेन्यू इनको लाना ही नहीं है, लाइक रेवेन्यू का खाली काम नहीं है प्रोडक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट में. फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये भी वर्क होगा कितना हम लोग को जो है इनको फाइनेंस देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कितना फाइनेंस देना है. सो जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं पता रहेगा कि कितना उनको सेल करना होगा, कितना वो सेल करने वाले हैं. सो यहाँ पर ईच एंड एवरी मैनेजर, जो भी मैनेजर होंगे, वो अपना अपना काम तो कर रहे हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट आर गिविंग देयर बेस्ट. बट क्या है कि अगर ये इंटरलिंक होके काम नहीं करेंगे, हम क्या नहीं कर सकते, ग्रुप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. तो कैसा हमको करना होगा, ये सभी जो डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट को एक साथ लाना होगा. सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल फंक्शनल डिफरेंशिएशन में और एक हम डिफरेंस बता देती है. यहाँ पे जो सेल्स डिपार्टमेंट है, दैट सेल्स डिपार्टमेंट थिंक्स दैट द सेल्स डिपार्टमेंट वांट्स टू इंक्रीज देयर सेल्स. ओके, फॉर दैट वो सेल्स डिपार्टमेंट ये सोच रहे हैं कि दे विल गिव ऑफर टू द कस्टमर्स, दैट इज एक्स्ट्रा ऑफर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर वो देना चाहते हैं. सो दिस इज द that is objective of the sales department, that they want to achieve their target, that क्या करना चाहते हैं, वो sales को increase करना चाहते हैं. How they want to increase their sales? By offering discount to the customers. But क्या है कि वहाँ पर finance department objection कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट. बाय देयर ऑब्जेक्टिव उनको ये लग रहा है कि इन केस सेल्स डिपार्टमेंट अगर ऑफर में देंगे देन डेफिनेटली इट विल दैट इज इट वहाँ पे क्या होगा, इट विल लीड टू द लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जितना ऑफर में हम देंगे, जितना डिस्काउंट में हम देंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हम लोगों का सेल्स में भी ज़्यादा हो सकता है, बट क्या होगा, हम लोगों का रेवेन्यू कम हो जाएगा. सो इट विल लीड टू द लॉस ऑफ द कंपनी. सो वंस रेवेन्यू हम लोगों का कम हो जाएगा देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी का हम ये नहीं कर पाएंगे. सो लिक्विडिटी सफर होगा. सो फॉर दिस रीजन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का फंक्शन में डिफरेंशिएट दिख रहे हैं. सेल्स डिपार्टमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन फंक्शनल फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं चाहते हैं. सो इस डिफरेंस के बिटवीन वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स अराइज हो सकता है. इट विल लीड टू द डैमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ये जो रीजन है, इस रीजन की वजह से वहाँ पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो है हो सकता है. सो टू एरोडिकेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट कर देना चाहिए. प्रीवियसली ही हम लोगों को यहाँ पे प्लान करना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करने वाले हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, ये पहले से ही हम कोऑर्डिनेट करके रखेंगे. देन ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, अपना गोल्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. The next top heading is specialization. So specialization is also very important in the organization because nowadays technological changes बहुत आ रहा है. So modern concept and modern business के हिसाब से technological business. So technological business जहाँ पे है, definitely we need a specialist person to operate the things. So यहाँ पे organization में आजकल modern business में क्या हो रहा है कि lot of specialists are working in the organization. So automatically what the specialist thinks that they are highly qualified person and whatever they they decide that is the right decision. So इसमें क्या होगा, एक organization में only one specialist काम नहीं कर रहे हैं, different specialists are working in the organization. So automatically every specialist if they think like that they are the best person, they are the right person, their decision is the right decision, then automatically क्या होगा, it will affect the organizational goals. So इनको भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, each and every specialist जो भी होंगे उस सारा स्पेशलिस्ट को भी हमको ये करना, इंटीग्रेट करना होगा, उनका एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना होगा टुवर्ड्स द कॉमन गोल. सो दिस विल हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर ये हम करेंगे देन ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेशन क्या है. छोटा सा एक टॉपिक है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको अभी पता चल गया होगा कि कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रैदर देन द अदर फंक्शंस. जो भी फंक्शंस हैं
सभी फंक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन है. सो विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन, जितना भी फंक्शंस हो, जितना भी इंपॉर्टेंट्स हो, जितना भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन ही हम क्या कर सकते हैं, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द बिजनेस आप भी कोऑर्डिनेशन को यूज़ कर सकते हैं. आप आपके घर में कोऑर्डिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में कोऑर्डिनेशन को यूज़ कर सकते हैं. आप जानते होंगे विदाउट कोऑर्डिनेशन हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, इट इज अ क्वेश्चन टाइम. सो क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन, और कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल. सो जस्ट नाउ वी डिस्कस दैट कोऑर्डिनेशन नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो उसके एग्जाम्पल भी हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है. इट कोऑर्डिनेशन जो है प्लानिंग में सभी फंक्शंस में भी काम आएगा, देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी काम आएगा, देन कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मैनेजमेंट. सो ये एग्जाम्पल्स को जो है आप एग्जाम्पल्स देख के लिख सकते हैं. देन थर्ड सेकेंड क्वेश्चन इज, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखे थे, इस क्वेश्चन के आंसर नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन से ही देना है. सो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखे थे ग्रुप एफर्ट्स के बारे में, एंड कोऑर्डिनेशन एनश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन. सो ये दोनों में हम लोग ये देखे थे कि कोऑर्डिनेशन जो है कॉमन गोल्स के थ्रू चल रहा है, एंड इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट. सो वो जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में आप एक्सप्लेन करेंगे. देन कोऑर्डिनेशन इज needed at all the levels of management, explain this statement. So again, coordination is needed at all the levels of management. Already hum log dekhe hain levels of management mein coordination kaisa kaam kar raha hai, so aap explain karenge. Then coordination is synchronization of group efforts to achieve organizational objectives. In the light of this statement, highlight the features of coordination. Again, features of coordination mein aapko aana hai, coordination is synchronization of group efforts to achieve organizational objectives. So organizational objective achieve karne ke लिए कोऑर्डिनेशन किस तरह का काम कर रहा है, ये फीचर्स से आप लिखेंगे. सो दिस इज द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, एंड गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चंस अवेलेबल है, सब वो क्वेश्चंस को देखिए और आप आंसर देने का कोशिश करिए. एंड अदर थिंग इज वॉट मैक्सिमम जो है आपका लाइक केस स्टडीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड पैराग्राफ क्वेश्चंस रहेगा. सो केस स्टडीज के लिए डेफिनेटली यू हैव टू थरव इन द बिजनेस स्टडीज बुक. सो गो थ्रू द बुक, आप एक एक चीज जो है करिए. आपका टेक्स्ट बुक्स में बॉक्स के अंदर पे भी कुछ कुछ दिया रहेगा, उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये केस स्टडीज में बहुत ही काम आएगा. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक कोऑर्डिनेशन आवर फर्स्ट यूनिट इज ओवर. सो गो थ्रू द बुक एंड प्रिपेयर. टेक केयर.